शरण दो दंगा लो। फ्रांस में जो आग है ना वो यूरोप के बाकी देशों में भी फैल रही है। आज की सबसे बड़ी खबर, शरण दो दंगा लो। शरणार्थी आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर मेन मेंबर्स, और वो यहाँ आकर यूरोप में एक कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। भारत को चाहे वो रोहिंग्याज हो, म्यांमार से आए हो या बांग्लादेशी हो, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, यहाँ CAA या NRC को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो आज फ्रांस में हो रहा है उससे ज्यादा सीरियस सिचुएशन इंडिया में है। फ्रांस की जो माइग्रेशन पॉलिसी थी वो काफी सॉफ्ट थी और इसका इस्तेमाल काफी यूज किया मुस्लिम वर्ल्ड ने। लॉ ऑर्डर के लिए एक प्रॉब्लम हो गए हैं, वो उस देश की जो लॉ है उसको कुछ नहीं समझते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं और अपना जो है एक रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। भारत को एक लेसन सीखना चाहिए जो आज फ्रांस में हो रहा है। माइग्रेशन की पॉलिसी वो सख्त होनी चाहिए, हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए कोई भी शरणार्थी या इलीगली माइग्रेंट को। सोचिए और बनाइए ना देश को धर्मशाला, बड़ा शौक था देश को धर्मशाला बनाने का। नतीजा देखिए, भारत को लेक्चर दिया जाता था, भारत को ज्ञान देते थे यूरोप के देश कि नहीं भारत को शरणार्थियों को शरण दे देनी चाहिए, CAA वाले मामले में, NRC वाले मामले में भारत को लेक्चर देते थे। लोग आज देखिए इनकी सड़कों पर क्या हाल है। शौक था ना धर्मशाला, देश को धर्मशाला बनाने का बड़ा शौक था। अपने देश को धर्मशाला बनाने की सजा क्या होती है ना, और सबसे जरूरी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कथित मानवाधिकार रखने की कीमत क्या होती है ना, आज भारत समेत पूरी दुनिया को ये बात फ्रांस से सीख लेनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, ये वेकअप कॉल है पूरी दुनिया के, पूरे यूरोप में जो हो रहा है, फ्रांस में, ब्रसल्स में और इसके अलावा स्विट्जरलैंड में, जैसे आग फैलती जा रही है, कट्टरपंथ के बारूद पर है पूरा यूरोप। कट्टरपंथ की आग फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रसल, ये फैल रही है आग। बड़ा शौक था ना शरण देने का, शरणार्थियों को जगह देने का, धर्मशाला बनाने का, ये देखिए आग ही आ गया। भारत समेत दुनिया के कई देशों को शरणार्थियों के लिए मानवता की दुहाई दी जाती थी, लेक्चर दिया जाता था कि इंडिया में देखिए मानवाधिकार सोचना चाहिए, शरण दे देनी चाहिए, CAA के नाम पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम शरणार्थियों को यहाँ भारत में बसा लेना चाहिए। ये देखिए क्या हो रहा है, शरणार्थियों को बसाने का दबाव डाला जाता है, शरणार्थियों को सुविधाएं देने की बात कही जाती है। छोड़िए ना नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार बड़ा होता है शरणार्थियों का। हमारे यहाँ रोहिंग्याओं के लिए भी इतना ही दिल, कुछ लोगों का दिल पसी जाता है रोहिंग्याओं घुसपैठियों के लिए, इसलिए अभी SP वैद्य ने जो कहा सबसे इंपॉर्टेंट है NRC तुरंत लाइए, तुरंत NRC लागू कराइए। भारत में जो फ्रांस में हो रहा है कल को भारत में ना हो, सारे घुसपैठियों को बाहर निकालिए यहां से, जो फ्रांस में हो रहा है वो भारत में ना हो। NRC लाओ, भारत बचाओ, मतलब सारे घुसपैठियों को बाहर निकालने की जरूरत है। शरणार्थियों के लिए ऐसा ही स्वर्ग माना जाता है, किसे, फ्रांस को। 7 दिन हो गए, 7 दिन कट्टरपंथ की आग थम नहीं रही है, पूरे दंगे हो रहे हैं, जगह जगह हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कट्टरपंथियों ने पूरे चंगुल में ले लिया पूरे फ्रांस को। ये देखिए आप तस्वीरें, फ्रांस को दंगों की आग में जलाने के पीछे बड़ी संख्या में वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें फ्रांस ने सेकुलरिज्म और मानवाधिकार के नाम पर देश में शरण दी। वैसे फ्रांस ने तो बड़ा दिल दिखाया था, ये देखिए उन्होंने क्या किया, रहने को घर दिया, खाना दिया, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार दिया, बेहतर जिंदगी दी, सिर उठाकर जीने के लिए सम्मान दिया।
उन्हीं शरणार्थियों को पनाह देने वाला फ्रांस अब खुद तौबा कर रहा है, खुद तौबा कर रहा है, अब उनसे पनाह मांग रहा है अपने देश में, अब इनसे पनाह मांग रहा है फ्रांस। जिन लोगों को बेचारा समझकर फ्रांस ने बड़ा दिल दिखाया था ना, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके और इंडिया को लेक्चर किया था यूरोप में, जिन लोगों को फ्रांस ने सताया हुआ मानकर शरण दे दी, अब वो कह रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे, शरण दो दंगा लो, उन लोगों ने ही फ्रांस में आग लगा दी है, आग। बस तस्वीरें देखते जाइए, पूरी कहानी बताऊंगा आज। वही शरणार्थी फ्रांस के शहरों के लिए, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए डेंजर बन गए, डेंजर। फ्रांस में एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, रूह कांप उठेगी आपकी। फ्रांस में शरणार्थी दंगाइयों ने 4,000 से ज्यादा जगहों पर आग लगा दी, 4,000, 500 से ज्यादा इमारतों में या तो आग लगा दी या उन्हें जमींदोज कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। दंगाइयों ने 2,000 से ज्यादा गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया, 2,000, 1,700 से ज्यादा दुकानों में लूटपाट की रिपोर्ट। अच्छा, चोरी अलाउड है, चोरी अलाउड होती है यहां, पता नहीं, लेकिन सब लूटपाट कर रहे हैं, लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। और फ्रांस की पुलिस अब तक 3,000 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, 3,000। फ्रांस के दंगों की आग आगे बढ़कर स्विट्जरलैंड और बेल्जियम तक फैल गई है। बेल्जियम ने भी जिन लोगों को शरण दी थी, अपने देश में बसाया था, रहने को घर, खाने को अच्छा खाना और जीने के लिए सुविधाएं दी थी, 3 तस्वीरें, फ्रांस में दंगे, स्विट्जरलैंड में दंगे, बेल्जियम में दंगे। वही शरणार्थी स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के लोगों को पत्थर मार रहे, फ्रांस के दंगाइयों के समर्थन में दंगे कर रहे। फ्रांस की तरह स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में भी दंगा करने वाले उत्तरी अफ्रीका, सीरियाई, फ्रांस को सीरिया बना दिया इन लोगों ने, सीरियाई, लीबिया, इराक, अल्जीरिया, मोरक्को, ये लोग यहां से आए। फ्रांस में दंगे कैसे शुरू हुए, ये कौन लोग हैं जो खुद को शरण देने वाले देश को ही आग जला रहे, मतलब उसी को आग के हवाले अपने घर को जला रहे हैं। और फ्रांस में इमरजेंसी लगाने की स्थिति क्यों आ गई, कैसे आ गई, और जिन लोगों पर फ्रांस ने विश्वास किया उन्होंने क्यों फ्रांस से विश्वासघात किया, पूरे यूरोप से विश्वासघात किया ना, ये सब विस्तार से बताने से पहले आपको फ्रांस की स्थिति पर पोलैंड के प्रधानमंत्री मतूश मोरावेस्की का एक ट्वीट दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री, इस ट्वीट में पोलैंड के प्रधानमंत्री मोरावेस्की ने एक वीडियो शेयर किया, ये वीडियो शेयर किया गया, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए, वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक और जलता हुआ फ्रांस है, ध्यान से देखिए, और दूसरी तरफ शांत पोलैंड, सुकून, शांति दिखाई दे रही है। एक तरफ पोलैंड, मतलब जब फ्रांस में दंगे हो रहे हैं ऐसे वक्त में पोलैंड कैसे शांत है, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ, अब क्या हुआ था, इन दोनों तस्वीरों का मतलब समझिए। पोलैंड के प्रधानमंत्री मतूश मोरावेस्की के ट्वीट को आप फ्रांस समेत यूरोप और दुनिया के उन तमाम देशों पर तंज कह सकते हैं जो सेकुलरिज्म और मानवाधिकार के नाम पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। पोलैंड ने एक को शरण नहीं दी थी, ये तस्वीरें देखिए आप, दो तस्वीरें स्क्रीन पर, फ्रांस और पोलैंड। तब पोलैंड को पता नहीं तानाशाह और पता नहीं क्या क्या कहा गया, और लिबरल फ्रांस का हाल देखिए, वहां पर आग लगी हुई है, इनको शरण दे दी। पोलैंड ने एक को शरण नहीं दी थी, एक को शरण नहीं दी, और देखिए पोलैंड की तस्वीरें और फ्रांस की तस्वीरें देखिए। इसीलिए आज हम कह रहे हैं शरण दो दंगा लो, पोलैंड ने एक को शरण नहीं दी थी। और आज पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वीडियो को शेयर करके, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हम ऐसा यूरोप चाहते हैं जिसकी सीमाएं सुरक्षित हो, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था ये वो मूल्य हैं जिनके बाद ही बाकी कुछ शुरू होता है, सुरक्षा पहले है। सोचिए, नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं होता है भाई। फ्रांस में दंगों के वक्त ही यूरोपियन यूनियन में शरणार्थियों के हितों और सुरक्षा पर चर्चा समेत कई मसौदे थे, लेकिन पोलैंड के साथ हंगरी शरणार्थियों पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहे, इसकी वजह से ना यूरोपियन यूनियन शरणार्थियों का प्रस्ताव पास नहीं कर पाया था। शरणार्थियों को लेकर पोलैंड का स्टैंड क्या है, ये बात आप पोलैंड के नेता डोमिनिक के एक पुराने टीवी इंटरव्यू से समझ सकते हैं। पोलैंड आज कैसे शांत, यूरोपियन यूनियन की बैठक में शरणार्थियों को शरण देने का जमकर विरोध करने वाले डोमिनिक का यह बयान फ्रांस के दंगों के वक्त फिर से वायरल हुआ है। इस इंटरव्यू में डोमिनिक ने कहा है कि उनके देश में एक भी आतंकी हमला, एक भी दंगा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके देश में एक भी मुस्लिम शरणार्थी को शरण नहीं दी है। एक एक शब्द को सुनिए। रेफ्यूजीज हैज पोलैंड टेकन
Zero. And you're proud of that? If you're asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. आते हैं कि पिछले 7 दिनों से फ्रांस क्यों दंगों की आग में चल रहा है।